थकान बहुत ज्यादा रहती है। हम लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी थकान हमेशा ही रहती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डाइट अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें शरीर में बहुत ज्यादा थकान रहती है और ऐसा लगता है कि हम पूरे टाइम के लिए बिस्तर में लेट करके आराम करते रहें, सोते रहें और कुछ भी काम ना करें। या कुछ ऐसे भी होंगे जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, नॉर्मल जो दवाइयां हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वो भी यूज करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ ऐसे हैं जिनका ब्लड शुगर जो लेवल है वो दवाइयां लेने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय है जिससे कि आप लोगों को ये सारे ही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेस्क वर्क करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करने का टाइम नहीं मिलता है, फैट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इनको कम करने का कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोगों की ये सारे ही प्रॉब्लम्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो वेलकम टू माई चैनल डॉक्टर वर्मा PISNS। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को। आप में से 95% तो लोग ऐसे ही होंगे जो कि डेस्क वर्क करते होंगे, जिनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, जिन्हें अपना शरीर का ध्यान रखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ ऐसे हैं जिन लोगों का फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आखिरकार क्या किया जाए वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ सारे ही चीजों को कंट्रोल करने का जो मेन रोल है वो है हमारे खाने पीने के ऊपर। अब आप कहेंगे कि खाना पीना तो हमारा सही ही रहता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आप खाते हैं क्या आप लोग जानते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, और क्या आपको पता है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है या फिर वो सड़ रहा है आपके शरीर में? अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं होनी चाहिए, और अगर सड़ रहा है तो आखिरकार ऐसा क्या करें जिससे कि खाना सड़े नहीं, हमारे शरीर में पच जाए। तो देखिए, जो आप खाना खाते हैं वो सबसे पहले आपके मुंह में जाता है जहां पर उसे चबाने की प्रक्रिया की जाती है, फिर आपके स्टमक यानी पेट में जाता है जहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि खाने को पचाने का काम करता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, वहां फर्दर डाइजेस्टिव काम होते हैं, और फिर बड़ी आंत में जाते हैं, और बिल्कुल लास्ट में वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो एक सवाल और मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि जो भी आपने खाना खाया है और जैसा भी आप लोग खाना खाते हैं, सभी को पचाने की जो प्रोसेस है वो सेम होती है? तो जी नहीं, सभी को पचाने की जो प्रोसेस है वो सेम नहीं होती है। जिसमें से जो फ्रूट्स हैं उनको पचाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं उनको पचाने में 6 घंटे लग जाते हैं, और जो अनाज है उसको पचाने में 12 से 18 घंटे तक लग जाते हैं। तो क्या आप लोगों का खाना कैसा होता है? जो सारे दिन में आप मील खाते हैं वो कैसा होता है? फ्रूट्स का होता है, वेजिटेबल्स का होता है, या फिर अनाज का होता है? हम में से 95% लोग ऐसे हैं जिनको जिनका जो खाना है वो अनाज का होता है, और अनाज को पचाने में 18 घंटे लग जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम हर 3 से 4 घंटे में फिर से खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी हमने पहले का जो खाना है वो तो पचाया नहीं और हमने उसके ऊपर से और खा लिया खाना, तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारा खाना है वो पहला वाला पचेगा नहीं और दोबारा जो हम खाएंगे वो उसके ऊपर चला जाएगा और खाना डाइजेस्ट होने की जगह सड़ने लगेगा। तो आखिरकार ऐसा क्या करें जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए? जो हमारा शरीर है उसमें हीलिंग पावर जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अब हीलिंग पावर क्या होती है मैं आपको ये बता देती हूँ। हीलिंग पावर एक ऐसी पावर है हमारे शरीर में जो कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जब कभी भी हड्डी टूट जाती है तो क्या डॉक्टर उस पर दवाई लगाता है जिससे कि वो ठीक हो जाती है? जी नहीं, डॉक्टर उस पर दवाई नहीं लगाता है, उस पर सिर्फ एक प्लास्टर लगा दिया जाता है जिससे कि आप उस जगह को ना कर सके, मूवमेंट उससे ना कर सके।
और वो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि जब आप उसे छेड़ेंगे नहीं तो वो हड्डी अपने आप टाइम के अकॉर्डिंग जुड़ जाती है। तो उसी तरह से हमारा शरीर है कि अगर हम कुछ टाइम के लिए अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कुछ खाना पीना ना डालें तो हमारा हमारा जो शरीर है वो हीलिंग पावर जनरेट करता है, जिससे कि हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती हो। और वो पावर कैसे आती है? वो पावर आती है फास्टिंग से। जी हाँ, 16 आवर्स की जो फास्टिंग है उससे। यानी आप सोचेंगे ये क्या कह रहे हो आप, 16 घंटे का व्रत कौन रखेगा? तो जी हाँ, ये फास्ट रखना बहुत ही आसान है, ये फास्ट रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसे मैं बताऊं वैसे अगर इस फास्ट को रखेंगे आप लोग तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, जो शरीर है वो मोटा होता जा रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम है, वो सारी ही प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगेंगी। तो देखिए, जो हमारी आंतें हैं उसी में खाना पचता है, और जब हमारा खाना आंतों में पचता है तो जब पच जाता है तो उससे हमारे शरीर को हीलिंग पावर एनर्जी मिलती है। लेकिन जब उसमें खाना सड़ता रहता है, यानी जो लेयर बन जाती है सड़े हुए खाने की, वही हमारे शरीर के अंदर भी जाती है, और जब वही सड़ी हुई जो लेयर है वो हमारे शरीर में जाएगी, खून में मिलेगी, अगर आपके आंतों की सफाई नहीं होगी तो जो ब्लड के थ्रू वो सारी गंदगी आपके शरीर में जाएगी। अगर आपके फेस पर वो गंदगी गई तो आपको एक्ने, पिंपल्स, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो गंदगी आपकी किडनी में गई तो किडनी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। या अगर वो गंदगी फेफड़ों में गई तो आपको फेफड़ों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। या जो सोरायसिस जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो खून गंदा होने के कारण होती है। तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब हम अपने हाथों को साफ नहीं करते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप 16 घंटे की फास्टिंग से अपनी आंतों को कैसे साफ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये फास्टिंग सोते सोते ही खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका जो शरीर है वो हीलिंग पावर जनरेट करेगा। तो कैसे करनी है आप लोगों को ये फास्टिंग, तो आपको क्या करना है, आपको जो डिनर है वो 6 बजे तक कर लेना है। तो 6 बजे से लेकर के और सुबह 6 बजे तक 12 घंटे हो गए, और उसके बाद 4 घंटे यानी कि 10 बजे तक आप लोगों को फास्ट रखना है, यानी कुछ भी नहीं खाना पीना है। अब आपका एक सवाल आएगा कि हम बिना खाए पिए बिल्कुल इतने टाइम लंबे टाइम तक नहीं रह सकते हैं। तो अगर आप नहीं रह सकते हैं तो एक काम कीजिएगा कि रात के टाइम में जो खाना है, लास्ट मील है, वो 6 बजे तक ही ले सकते हैं आप, और 6 बजे तक ही लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह नारियल पानी ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, या फिर वेजिटेबल्स जूस भी ले सकते हैं, या फिर सूप भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने 16 आवर्स की जो फास्टिंग है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगी। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसके साथ ही अगर आप लोग थोड़ा सा योग करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। 5 से 10 मिनट निकालिए अपने लिए और आपकी ये जो प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि हमें तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं तो हम क्यों करेंगे, तो देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर जिसको ये प्रॉब्लम है वो 16 आवर्स की जो फास्टिंग है वो करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, और अगर जिनको प्रॉब्लम्स नहीं है वो 16 आवर्स की फास्टिंग करेंगे उनको कभी भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आप लोगों को कभी नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप लोग फास्टिंग कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे करके जो आप जूस या ये सारी चीजें ले रहे हैं वो भी छोड़ दें। तो इस तरीके से 16 आवर्स की फास्टिंग करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। और मैं आपको मुद्रा बता देती हूँ जिससे कि आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम है वो उसको और भी जल्दी खत्म कर सकें, यानी कि जो आपकी हीलिंग पावर है उसको और भी जल्दी बढ़ा सकें। तो उसके लिए आप लोगों को मुद्रा बनानी है। मुद्रा कैसे बनानी है, जो पहली मुद्रा है वो आपको आपके सीधे हाथ से बनानी है। दोनों उंगलियों को इस तरीके, जो पहली दो उंगलियां हैं और जो ये अंगूठा है उसको
एक दूसरे के साथ में ऐसे टच करेंगे और अपनी उंगलियों को, बाकी की दो उंगलियों को सीधा रखेंगे और इन पर हल्का सा प्रेशर देंगे। तो ये हो गई आपकी सीधे हाथ की मुद्रा। और उल्टे हाथ में आप लोगों को जो आपकी आपकी रिंग फिंगर है और जो आपकी मिडिल फिंगर है, इन दोनों को अंगूठे के साथ टच करना है और दोनों ही उंगलियों को सीधा रखना है। तो ये हो गई आप लोगों की मुद्राएं, जिससे कि आप लोगों की जो इंटेस्टाइन है उनको क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्राएं हैं। ये आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और सिर्फ खाना खाने के जस्ट बाद आप लोगों को ये नहीं करनी है। ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप लोग आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार। मेरी जो वीडियोस हैं वो फेसबुक और यूट्यूब पर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 5 बजे अपलोड होती हैं। अगर आपको भी किसी भी बीमारी पर वीडियो बनवानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, बीमारी का नाम लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना करके आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।